वीडियो में आप देख पा रहे हैं राजस्थान का 12वां समुंदर जो वर्तमान समय में सूरतगढ़ के नज़दीक है, जो ढेर थे उन ढेरों में पानी भरने के कारण जो समुंदर बने थे वही। और इस समुंदर हैं वो अब सूखने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरफ ये इतना सूख चुका है। और जो सूखने का जो कारण था वो ये है कि इसका पानी वापस निकासी है वो रंगमेल जो गेट बने उन गेट के माध्यम से नाली बेल्ट में पानी छोड़ दिया, और उसी के दौरान क्या है कि यहाँ पानी निकलना शुरू हो गया। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, उससे शायद आप एहसास हो सके आपको कि वो सामने एक है बोरवेल लगा हुआ है। तो उस बोरवेल में आप देखें कि ऊपर है प्लास्टिक का कट्टा, तिरपाल इत्यादि बांधा है ताकि बोरवेल में पानी ना जा सके। अगर बोरवेल में पानी चला गया तो क्या है कि यहाँ जो ज़मीन है वो काफ़ी दलदल वाली ज़मीन है, तो दलदल वाली ज़मीन होने के कारण क्या है कि पाइपें हैं वो चोक हो सकती हैं। और दलदल वाली कितनी है वो आपको मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं भैया, जैसे जैसे अपने पानी की तरफ जाएंगे तो ये ज़मीन में अपने पैर धंसने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप, तो ये दलदल वाली जगह है। तो यहाँ क्या है कि दलदल वाली जगह होने के कारण है उसको ब्लॉक कर दिया है, और पानी जैसे कि आप देख पा रही हैं लहरें उठ रही हैं भाई, जिस तरह से समुंदर में लहरें उड़ती हैं पानी बिल्कुल क्लीन यहाँ आपको नज़र आ रहा है, और ये इस तरह से लहरें उठ उठ के पानी है वो आगे आ रहा है। ये देखें आप, और ज़मीन कितनी दलदल वाली है आप ये देखें, ये देखें आप। ये देखें आप, तो इसलिए क्या है कि इन ट्यूबवेलों को बंद कर दिया था। तो अगर ये बंद ना होती बिल्कुल, ये डैर के बिल्कुल अंदर थे ना, उन ट्यूबवेलों को बंद किया है, जो किनारे पे थे या जो पक्की ज़मीन पे थे उनको बंद नहीं किया जो फसल में थे, क्योंकि यहाँ मौके की कोई फसल नहीं खड़ी थी, जो फसल खड़ी थी वो उस तरफ आगे खड़ी थी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं।